हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड लेसन इन सिविक्स ऑफ क्लास सेवन्थ, विच नेम इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको टाइम पर मिल जाए। एंड वीडियो को कम्प्लीट देखें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इससे पहले इस लेसन के टू पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि पब्लिक मतलब सार्वजनिक जो सभी के लिए होती है वो, और प्राइवेट मतलब निजी, जो कोई ऐसी सर्विस जो कोई अपने प्रॉफिट के लिए देगा वो प्राइवेट कहलाती है। तो इन्हीं सर्विसेज के बारे में अब हम यहाँ रीड करेंगे। फ्रॉम द अबो स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रगली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज। तो ये कह रहा है कि जो ऊपर जो हमने स्टोरी पढ़ी थी अमन और रंजन की, उससे हमें ये तो पता लग ही गया कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर वन इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, एंड नंबर टू प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब इनको हम और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं कि क्या होती है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सार्वजनिक जो हेल्थ सर्विसेज है वो एक श्रृंखला है हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स की, जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है। दे आर लिंक्ड टूगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि ये आपस में जुड़ी होती है जिससे कि ये दोनों एरिया कवर कर सके। रूरल मीन्स ग्रामीण इलाका, गांव वाला इलाका, और अर्बन मीन्स शहरी इलाका। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है, इलाज करवाती है। फ्रॉम कॉमन इलनेसेज टू स्पेशल सर्विसेज, यानी कि एक आम बीमारी से लेकर कोई ऐसी फैसिलिटी जो किसी स्पेशल पेशेंट को चाहिए वो सारी ही जो ट्रीटमेंट है ये प्रोवाइड करवाती है। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर्स, अब गांव के लेवल पर क्या होते हैं, गांव के लेवल पर हेल्थ सेंटर्स होते हैं वेयर देर इज यूजुअली ए नर्स, जहाँ पर आमतौर पर एक नर्स होती है, एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, और एक गांव का हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेज, इनको ट्रेंड किया जाता है मतलब इनको सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि वो किस तरीके से आम जो कोई भी बीमारी है उससे किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, और ये काम करते हैं सुपरविजन के अंडर, यानी कि जो इनके ऊपर डॉक्टर्स होते हैं वो इनके काम को सुपरवाइज करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर होते हैं। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेज इन रूरल एरिया, और ऐसे सेंटर बहुत से गांव को कवर करते हैं ग्रामीण इलाकों में। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जिला स्तर पर इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल होता है। दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो सभी जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो गांव में होते हैं छोटे छोटे, उन सब को सुपरवाइज करता है, मतलब उनको अच्छे से उनकी देखता है, उनकी चेकिंग करता है कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरीके की दवाइयाँ वहाँ यूज हो रही है। ये सब लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन, एक वैसा जैसा जहाँ पर अमन को ले जाया गया था, जो हमने अमन और रंजन की स्टोरी रीड की थी उसमें। एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वंस इन हाकिम शेख स्टोरी,
और ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके बारे में हाकिम शेख की स्टोरी में बताया गया था। तो द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक, तो ये जो हेल्थ सर्विस है ये पब्लिक कहलाती है, मतलब सार्वजनिक, फॉर मैनी रीजंस, बहुत से कारणों के कारण, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज़ स्टेब्लिश दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। तो सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो सभी लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज प्रदान करने के लिए जो कमिटमेंट करती है, मतलब कि वचनबद्ध है कि वो सभी लोगों को सभी तरीके की हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स जो है वो स्टेब्लिश करवाती है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दी सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सीज। तो इन फैसिलिटीज के कारण, ये जो फैसिलिटीज है ये चलाई जाती है उन पैसों से जो हम सब और जो पब्लिक पे करती है गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, तो उस टैक्स से ये फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। हेंस सच फैसिलिटीज आर मेड फॉर एवरीवन, इसीलिए ये जो फैसिलिटीज हैं ये सभी के लिए होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मेड टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज इज एदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट। तो इसका जो एक मेन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराएगा एक अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो फ्री कराए या बहुत ही कम कीमत पर कराए, ताकि सभी गरीब लोगों का भी क्या हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस एंड कोलेरिया। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है पब्लिक हेल्थ का, फैसिलिटीज का, वो ये है कि कोई भी बड़ी बीमारी जो फैलती है उसको कंट्रोल करना, जैसे कि टीबी, मलेरिया और जॉन्डिस की बात हुई है यहाँ, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। दीज हैज टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। अब ये जो फैसिलिटीज है ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, लोगों की भागीदारी के साथ ये चलाई जाती है, मतलब गवर्नमेंट के साथ आम लोग भी जुड़ते हैं, तभी हम इस तरह की बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब कि कहने की बात यह है कि अकेली गवर्नमेंट ही इन बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसमें हमें भी जुड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन टेकिंग अप ए कंपेनियन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल इसने दिया है कि सभी को ये एक अभियान चलाना पड़ेगा कि कहीं भी जो है मतलब ये सुनिश्चित करना पड़ेगा इस अभियान के लिए कि सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों पर पानी को इकट्ठा ना होने दे। दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, तो ये उस एरिया के सभी घरों में किया जाना चाहिए। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस। तो हाकिम शेख की जो स्टोरी थी, मैंने बताया था कि उनका कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया अपना, जहां पर उनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा। फिर उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, और फिर कोर्ट ने क्या किया ये देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे संविधान के अनुसार गवर्नमेंट की ये प्राथमिक, मतलब फर्स्ट ड्यूटी बनती है, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करे और सभी को हेल्थ फैसिलिटीज या हेल्थ केयर सुविधाएँ जो है वो सबको प्रदान करें। तो ये गवर्नमेंट का फर्स्ट काम है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ टू एवरी पर्सन, तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है। द कोर्ट सेट, अदालत ने कहा, दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। कोर्ट ने कहा कि जो मुश्किल हाकिम शेख ने फेस की, जिन मुश्किलों का सामना किया, उससे उसकी जान भी जा सकती थी।
इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। तो यदि कोई हॉस्पिटल टाइम पर किसी व्यक्ति को इलाज नहीं दे पाता है तो इसका मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही। द कोर्ट ऑल्सो सैड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह पेशेंट को आवश्यक जो भी उसकी हेल्थ फैसिलिटीज है वो उसे दें, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन। और जिसके अंदर एमरजेंसी सिचुएशन भी है कि किसी को आपातकालीन सुविधा चाहिए तो वो भी प्रदान करें। हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी। हॉस्पिटल और जो भी मेडिकल स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी पूरी करें ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्यूटी उन्हें देनी होती है वो प्रोवाइड करें। हाकिम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और हाकिम शेख को काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करने से मना कर दिया गया था। देयरफॉर द कोर्ट आस्क द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वह हाकिम शेख को पूरे पैसे जो है वो वापस करे, जितना भी उनके खर्च पर लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं और वो कैसे चलाई जाती हैं। तो वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं और वो सभी के लिए होती है, और वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या फिर बहुत ही लो कॉस्ट पर होती है। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।